आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं जिन्होंने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। तो दोस्तों, जीएमआर ग्रुप को लेके काफी बड़ी न्यूज आई थी कि ये अपना 30% स्टेक डाइवेस्ट करेंगे इंडोनेशिया के पीटी जेम्स में 420 मिलियन डॉलर्स के लिए। तो ये काफी बड़ी एक न्यूज थी। तो इससे क्या होगा, जीएमआर का जो नॉन एयरपोर्ट बिजनेस है तो उसमें जो लीवरेज है और उसमें इनको थोड़ा फायदा मिलेगा और गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर इट्स ग्रोथ ऑफ क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो ये काफी अच्छी न्यूज थी और इसी वजह से आज जीएमआर इंफ्रा में हमें इतनी तेजी देखने को मिली थी। मैं चार्ट पे देखूं दोस्तों तो स्टॉक अपने यहाँ पे, ये देखिए, ये 200 डीएमए के रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हम 41.4, 44.5 और फिर 46 तक के टारगेट्स को एम करके चल सकते हैं इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो वो हमें लगाना पड़ेगा करीब 35.5 का। तो 35.5 का स्टॉप लॉस, 41.4, 40 यहाँ पे, फिर 44.5 और फिर 46 रुपीज तक के टारगेट को आप एम करके चल सकते हैं। वॉल्यूम सर ठीक ठाक रही है स्टॉक में। लेटेंट व्यू की मैं बात करूं दोस्तों तो ऐसा सच कोई मेजर न्यूज आज के दिन नहीं थी, कुछ और न्यूज थी पुरानी जो की है। इन्होंने यूके एंड यूरोप मार्केट्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है। प्लस दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये एनालिटिक्स की कंपनी है तो ये अपना इन्होंने कहा है कि ये अपना स्टोरी अब एनालिटिक्स को बेचने के लिए काफी स्टोरीज को यूज करेंगे अपनी सेलिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो ये सारी चीजें दोस्तों चल रही है, थोड़ा सा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यार लेटेंट व्यू में देखने को मिला था। आइए एक बार लेटेंट व्यू को हम चार्ट से एनालाइज कर लेते हैं। तो लेटेंट व्यू की मैं बात करूं दोस्तों तो वो अपने स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर चल रहा है। हमें जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा दोस्तों वो यहाँ पे देखिए लगाना पड़ेगा, ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। तो आपको 360 रुपीस के पास का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करिए। और दोस्तों अगर मैं इसमें टारगेट्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने आज थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है इस लेवल के ऊपर। ये लेवल था 385 के ऊपर, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है। तो आपके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 435 हमारा नेक्स्ट टारगेट और उसके बाद दोस्तों इसमें 540 के टारगेट्स हमें निकल के आ रहे हैं। तो काफी अच्छे टारगेट्स है इस स्टॉक में। स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो आप इस अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लान करिएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतरीन चल रहा है इस समय इस स्टॉक में। एपीएल अपोलो की मैं बात करूं दोस्तों तो इनकी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। अगर आप शायद 3.5 रुपए का ये डिविडेंड दे रहे हैं, 1000 रुपए इसका के पास का स्टॉक है तो 175% का डिविडेंड है। फेस वैल्यू 2 रुपीज है इस स्टॉक की। तो ये इनकी दोस्तों स्टॉक जो डेट है वो September 5 है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कल या परसों में इस स्टॉक को जरूर खरीद लीजिएगा। और टारगेट्स की मैं बात करूं दोस्तों तो लोगों ने इसे 1100 रुपए इसके टारगेट दिए थे शेर खान ने। और दोस्तों आप लोग को पता होगा ये स्टॉक 134 रुपीज से 1025 पहुंचा है। तो पैसे को इसने 8 to 9 times किया है मात्र 3 सालों में। और दोस्तों आज मेटल स्टॉक्स काफी ज्यादा डाउन थे, बट उसके अलावा भी दोस्तों डाउन होने के बाद भी एपीएल अपोलो 6.52% तक अप था जब ये न्यूज आई थी। आइए अब हम चार्ट पे देख लेते हैं कि हमें एपीएल अपोलो में क्या करना चाहिए। तो स्टॉक देखिए ऑलरेडी देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच में 1100 रुपीज का हाई बनाया था, फिर काफी गिरा था 800 तक और अभी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है इस स्टॉक ने। आज ये 1000 रुपीज के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक रही है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब 1100 रुपए निकल के आ रहा है और फिर 1160। तो ये होंगे मेरे टारगेट्स दोस्तों। स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटा सा प्रिफर करूंगा इसमें, इस ये वाली ट्रेंड लाइन का मैं बना देता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन का मैं इसमें स्टॉप लॉस प्रिफर करूंगा जो इसका ब्रेकआउट लेवल था। तो आप 995 का पास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। और टारगेट 1080 पहला टारगेट, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है और फिर जो रिसेंट हाई था 1150 के पास का। तो ये थी मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।